हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड 6 लेसन नंबर 5 टेम्परेचर। लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू सी दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ऑफ लैंड एंड वाटर। देखो भी लैंड मतलब क्या, भूमि, और वाटर मतलब पानी। भूमि और जमीन और पानी के गर्म और ठंडा होने में डिफरेंस होता है। ओके, इसे समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है यहाँ पे। Do it yourself. Take 2 pots of the same size and fill them with water equally. अभी समान आकार के 2 pots, 2 बर्तन आपको लेना है, और दोनों में equally water fill करना है। Okay? दोनों में समान मात्रा में पानी भरना है। At sunrise, keep one of the pots inside the house and the other one outside. See that it remains in the sun all the time as shown figure 5.4b. अभी एक बर्तन घर में ही रखना है और दूसरा बर्तन सूर्योदय के समय पर बाहर रखना है। अभी ध्यान रखना है कि इस बर्तन पर हमेशा सूर्य किरणें पड़ती रहे। 5.4b जो फिगर दी है हमें, उस फिगर के जैसा हमें करना है। आकृति में देखो आप, वैसे आपको करना है। इन द आफ्टरनून वॉक बेयरफुट ऑन द फ्लोर इनसाइड द हाउस एंड फील द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोर। अभी दोपहर के समय घर की ज़मीन पर नंगे पाँव चलकर जमीन के तापमान का अनुमान आपको लेना है। जो जमीन का टेम्परेचर है उसको आपको फील करना है। फील द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पॉट इनसाइड। अभी पानी में हाथ डालकर पानी का भी टेम्परेचर आपको फील करना है। Perform the same activity outside the house and get the feel of temperature of land and the water kept in the sun. ये जो अभी किया आपने, वैसे ही घर के बाहर की जमीन और पानी भर कर रखे पानी भरकर रखे हुए जो बर्तन रखा हुआ जो बर्तन है वहाँ पे भी आपको करना है। अब जमीन और पानी के विषय में आपको निरीक्षण करना है। जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपको नोट डाउन करना है। जमीन और पानी का जो तापमान है उसको आपको नोट डाउन करना है। डू दिस अगेन अराउंड 7 इन द इवनिंग। नोट योर ऑब्जर्वेशन अगेन। नाउ यू कैन रिमूव द पॉट्स। डिस्कस ऑल द ऑब्जर्वेशन यू हैव नोट इन द क्लास। अभी जो शुरू में किया जमीन और पानी का प्रयोग, उसको शाम को 7 बजे फिर से करना है। ओके, नाउ यू कैन रिमूव द पॉट्स। अभी जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको आपको राइट डाउन करना है। अभी पानी के बर्तन को हटा लेना है। नाउ यू कैन रिमूव पॉट्स। अभी पानी के बर्तन को हटा लो तब भी चलेगा। और जो आपने निरीक्षण किया है, ऑब्जर्वेशन किया है, इस पर
डिस्कस ऑल द ऑब्जर्वेशन यू हैव नोट इन द क्लास, क्लास में आपको डिस्कस करना है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर वी कैन नॉर्मली थिंक दैट एयर गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन्स रे एंड बिकॉज ऑफ द हॉट एयर द लैंड एंड वाटर गेट हीटेड, बट इट रियलिटी व्हाट हैपन्स इज एज फॉलोज. हमें सदैव हमेशा यही लगता है कि सूर्य की किरणों से ही हवा गर्म होती है, और ये जो गर्म हवा है इसके कारण ज़मीन और पानी गर्म होते हैं. बट इन रियलिटी व्हाट हैपन्स इज एज फॉलोज, लेकिन प्रत्यक्ष में कुछ इस प्रकार होता है कि फर्स्ट लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू सन रेज. पहले सूर्य की किरणों से ज़मीन और पानी गर्म होते हैं, लेटर दे रेडिएट इनटू द एटमॉस्फियर द हीट दैट दे हैव एब्जॉर्ब. इसके बाद पहले सूर्य की किरणों से ज़मीन और पानी गर्म होते हैं, और उसके बाद ज़मीन और पानी द्वारा जो गर्मी है वातावरण में चली जाती है, और जिससे क्या होता है भूपृष्ठ के समीप वायु का जो स्तर है वो ऊपर की दिशा में गर्म होता है. द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड वर्टिकली टू द एडजसेंट अपर लेयर ऑफ द एयर, हेंस एयर क्लोजर टू द सर्फेस इज हॉटर एंड एज वन मूव्स हायर अप फ्रॉम द सर्फेस द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस. अभी लास्ट में क्या हो जाता है, भूपृष्ठ से जो पास में जो हवा है वो पहले गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है, और भूपृष्ठ जैसे 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 हम ऊपर जाते हैं वैसे वायु का हवा का तापमान कम होता जाता है. ओके, द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज हायर एंड डिक्रीजेस इन द माउंटेनस रीजन्स, और समुद्र तल के पास पाया जाने वाला जो तापमान है वो पर्वतीय क्षेत्र में कम होता है, माउंटेनस रीजन्स में कम होता है. आ रहा है समझ में? ओके, अभी एक्सप्लेनेशन दिया है हमें. यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द लैंड कूल्स डाउन अर्लियर दैन द वाटर. अभी यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दिया है. यू मस्ट हैव रियलाइज दैट द लैंड कूल्स डाउन अर्लियर दैन वाटर. भौगोलिक स्पष्टीकरण है ये. अभी आपके ध्यान में आ गया होगा कि पानी की तुलना में जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन धूप में रखा हुआ जो जल थोड़ा सा गुनगुना रहता है. द वाटर केप्ट आउटसाइड इन द सन इज स्टिल अ लिटिल वार्म. ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड ऑल्सो बिकम्स कूलर रैपिडली. अभी ज़मीन और पानी के गर्म होने या ठंडा होने में जो अंतर पाया जाता है उसी से ज़मीन के ऊपर की हवा जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडी हो जाती है. और इसके विपरीत पानी के ऊपर की जो हवा है वो देरी से गर्म होकर देरी से ठंडी हो जाती है. द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड ऑल्सो लूज द हीट इज स्लोअर मैनर. ओके, इन द कोस्टल एरियाज एज कंपेयर टू कंटिनेंटल एरियाज द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज लोअर ड्यूरिंग द डे बट वार्मर एट नाइट. अभी समुद्र के
कंटिनेंटल एरियाज मतलब क्या, समुद्र का तटीय भाग। इसका इसका फलस्वरूप क्या होता है कि समुद्र के तटीय भाग में समुद्र से दूर अंदरूनी क्षेत्रों में क्षेत्रों की अपेक्षा दिन में हवा का तापमान कम रहता है और तथा रात में अधिक रहता है, जबकि अंदरूनी क्षेत्रों में तटीय क्षेत्र की अपेक्षा हवा का तापमान दिन में अधिक और रात में कम रहता है। Contrary to this, the temperature of air, the continental areas is higher during daytime and night.